राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किले में दशहरा समारोह में भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयदशमी की समस्त देशवासियों को शुभकामना दी व सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने वाला यह पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्य और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजयदशमी का यह त्योहार मानव मूल्यों एवं आदर्शों की उत्कृष्टता का प्रतीक है। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर मैं देश विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती हूँ और आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। देश के अलग अलग भागों में तथा प्रवासी भारतीयों द्वारा विश्व के कई देशों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व हमारे महान राष्ट्र के साझा मूल्यों और संस्कृति को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में विजय दशमी का ये त्योहार मानव मूल्यों एवं आदर्शों की उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो समाज में सच्चाई व नैतिकता तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा देता है। देवियों और सज्जनों, रामायण और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी सभी शिक्षाएं, मर्यादाएं व आदर्श पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं, जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों हमारी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। इस संघर्ष में खेत के काम करने वाला किसान या सरहद पर हमारी रक्षा में खड़ा एक जवान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक या राजधानी में देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता कई राजनेता भी है। बस 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारे मनोकामनाएं पूरी हो, यही प्रार्थना के साथ मैं श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि सबका भलाई हो। रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में ऐसी तमाम जगहें हैं जहां की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है और बड़े बड़े नेता भी यहां की रामलीला में शामिल होते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलीला का हिस्सा बने। वे द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित श्री रामलीला सोसाइटी की 11वें भव्य रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही रावण दहन के उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने समस्त राष्ट्रवासियों को विजयदशमी की शुभकामना दी। शक्ति उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है, अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार
विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं देही सौभाग्य आरोग्यम देही मे परमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही विशो जही। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य आरोग्य सुख विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की। नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयदशमी उत्सव मनाया गया जहां सशस्त्र पूजन कार्यक्रम भी किया गया। इस विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिभाग किया। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शंकर महादेवन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर वर्ष दुनिया में भारतीयों का गौरव उनकी शान बढ़ रही है। हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। वहीं दिल्ली में आयोजित हुए G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में विदेशी मेहमानों का जिस तरह सत्कार किया गया उसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई है। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है लेकिन यहाँ पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता से की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एकमत से कराने में और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहाँ जो C20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया, इसको हमने अनुभव किया। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए, 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं,
कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और इसलिए हमको बड़ा आनंद लगता है कि हम आगे बढ़ रहे, और केवल भौतिक बातों में नहीं, राष्ट्र का पुरुषार्थ उस राष्ट्र की अपनी धरोहर के आधार पर अपने वैश्विक प्रयोजन के सिद्ध करने वाले आदर्शों के आधार पर होती है। उनको हम देखते, उनका अनुकरण करते, तब आगे बढ़ते। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले है 22 जनवरी को, ये प्रसंग हम देखने वाले है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने। परंतु ये सारे प्रसंग, भारत का एक अमृत काल देखने का सौभाग्य हम सबको मिला है, और इसलिए शताब्दियों की संकट परंपरा को पार हमने किया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ध्यान में आता है। हमने सदाचार अहिंसा की शिक्षा देने वाले भगवान महावीर जी का 2550वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। हिंदू विश्व राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका 350वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमको फिर से अपने मूल की ओर खींचा और उसकी स्पष्ट और यथार्थ कल्पना दी, रूढ़ी कुरीतियों को बाजू रखकर वास्तविक अर्थ क्या है वो बताया, उनका 200वां वर्ष हम संपन्न कर रहे हैं। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली, उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष, ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन, स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्व प्रयास प्रत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तमांग पहुंचे। तमांग में रक्षा मंत्री ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तमांग के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सभी को विजयदशमी की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि सैनिक कठिन परिस्थितियों में जिस तरह से सीमा की रक्षा कर रहे हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज पूरे देश को इन पर गर्व है। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयदशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूं, आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं यलेसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों के को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है, और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की यह इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक अवसर, ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए, उनकी भी यह इच्छा होती है। और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि
इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है। इसके प्रति लोगों के मन में एक बेहद सम्मान है। और आप गांव में जाते होंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलते होंगे। गांव में आपने कभी कभी यह बात भी सुनी होगी, यदि गांव का कोई साधारण सा व्यक्ति भी जो अनुशासित होता है, दमखम वाला होता है, गलत बातें यदि बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो चटपट लोग कहते हैं कि यह फौजी स्वभाव का है। यह एक फौजी की अहमियत होती है, यह एक फौजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है, एक फौजी के प्रति सम्मान होता है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में हमारे भारत के सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। कल मैं एक घटना का जिक्र कर रहा था, इटली गया था अभी हाल में ही, मोंटेनो एक जगह है, वहां पर लोगों ने आग्रह किया कि वहां पर सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान हमारे बहुत सारे सेना के जवान, उसमें कुछ शहीद भी हुए थे, लेकिन मोंटेनो को उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान उसे मुक्त कराया था, उसे आजाद कराया था। और वहां पर आज भी वीर नायक यशवंत राव घामड़े का स्टैच्यू बना हुआ है। स्टैच्यू ही नहीं बना है बल्कि उनकी एक मेमोरियल वहां के लोगों ने बना रखी है। और आपको जानकर खुशी होगी, साथ ही गौरव की भी अनुभूति होगी कि वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केवल भारत से जो लोग जाते हैं वही नहीं जाते, बल्कि इटली के लोग भी वीर नायक यशवंत राव घामड़े को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस स्थान का नाम है मोंटेन। यह भाव आप सबके प्रति है, स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, चाहे भले ही हमारी जान चली जाए लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ, और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है, इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं, विगत 8-9-10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। लोग ये मानने लगे हैं कि अब आर्थिक दृष्टि से भारत सशक्त हो रहा है, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत की ताकत बढ़ी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, फुलफिलिंग प्रोमिसेस विद आवर प्रोफेशनल टीम एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स इन पास्ट, वी गारंटी यू पीस ऑफ माइंड एंड टॉप क्वालिटी वर्क इन एन अफोर्डेबल प्राइस। दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। सोनू टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस की ओर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। ई संजीवनी के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान CM खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से नवंबर 2019 में शुरू हुई ई संजीवनी सेवा आज नागरिकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। हरियाणा में भी ई संजीवनी OPD की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई संजीवनी OPD के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। मैं आज उन सज्जनों से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य का
ई संजीवनी पद्धति के माध्यम से इलाज करवाया है। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है कई बार, कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर दो दो डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं, और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं, तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है, अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है, तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था, और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहां से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं, और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी, एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी, और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेलीफोन टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया, और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो MBBS की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं इससे 3-4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, और 3500 मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं, तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला ओरछा में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी द्वारा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। मेरे भाई और बहनों, हमने योजनाएं बनाई। पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, और इसलिए बनाई तो बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान है, और जब हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी है जिनके हम पढ़ाई की व्यवस्था करें।
पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 40 लाख और मेरी बहनों जब वो इतनी सीखी है और मैं गोद में खिला के उनको बचत पत्र देता था, आज कॉलेज में पहुंचती मेरी बेटियां, और जब मामा मामा कह के चिल्लाती है मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता है मेरी बेटियों को देख के, और मुझे लगता है कि लाडली लक्ष्मी बना के अपना जीवन धन्य हो गया। कई योजनाएं बनाई, आज सबका जिक्र नहीं करना। चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दिया और मोदी जी ने कमाल कर दिया, 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। अगली बार जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो 33% सीटों पे केवल बहने खड़ी होंगी, बहने और MLA और MP बनेगी। चिंता मत करना, इस बार थोड़े कम रह गए होंगे, अगले बार 33% पक्के। ये भारतीय जनता पार्टी है अपनी भारतीय जनता। कब कांग्रेस ने किया कोई बता दे, कितने काम किए? और ये लाडली बहना की बात करते हैं, लाडली बहना मजाक नहीं है। मेरी बहनों, जिसके दिल में बहनाओं के दुख दर्द दूर करने की तड़प होती है वो ही ऐसी योजना बनाता है, क्योंकि मेरी आत्मा रोती थी। भाइयों, मेरी बहने हजार हजार रुपया को तरस जाती थी, जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की हाथ मांगना पड़ते, हाथ फैलाना पड़ते। गरीब बहने, किसान बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, बताओ बहनों, जब जरूरत पड़ती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं पैसे की? जोर से बताओ, होती थी कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे भाई ने कह दिया, चिंता मत करो, भैया मुख्यमंत्री है, बहनों को हाथ नहीं फैलाने देगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा। आज बताना मुझे, विजयादशमी दशहरे के दिन कभी सोचा था कि कोई ऐसा भैया मुख्यमंत्री भी आएगा जो हर महीने हमारे खाते में पैसा डालेगा? अरे सोचा था क्या कभी? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, भाइयों ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे 10 तारीख को फिर 10 तारीख आ रही है, चिंता मत करना, 10 तारीख को फिर 1250 रुपया खाते में डल जाएंगे, चिंता ही मत। परमानेंट कर दिया मैंने, जैसी तनख्वाह वैसे भाइयों के बहनों के पैसा। हाँ, उस दिन का कार्यक्रम करके नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि चुनाव है, लेकिन पैसा तो चुपचाप पहुंच ही जाएगा खाते में। और इतना ही नहीं, मेरी बेटियों, कई बेटियों ने कहा, मामा आजकल तुम पढ़ाई लिखाई करते तो शादी जरा देर से होती है, पहले जैसे थोड़ी है कि कम उम्र में शादी हो गई। तो मामा, अब हमने क्या बिगाड़ा, हमें काय को नहीं दे रहे, कोई शादी करने जरूरी है का पैसा? मुझे बात सही लगी, बात सही है भाई। अब बेटी पढ़ेगी तो 25 साल में 26 साल में भी शादी करेगी, उसने क्या दिक्कत, 16-18 में बड़ी शादी होती है। और इसलिए बेटियों, 21 साल के बाद की जितनी उम्र की बेटियां हैं, शादी हो और नहीं हो तो पैसा दिए, 1250 महीना लाडली बहना के पक्के भैया, और 1000 रुपया मेरे किसान भैया के, तो पति पत्नी दोनों को मिला के 2500 तो हो गए पक्के सीधे। ईमानदारी से बताना, 1-2 एकड़ का किसान परिवार हो तो फसल में 27,000 रुपये साल बचते थे क्या? ये सूखे 27,000 ये जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद मकान, राशन, इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा, ताकि इलाज में भी पैसा खर्चा ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन अब 450 नहीं कर दिया, चिंता मत करना, 450 मिलेगा, जरा लकड़ी ठूसने की जरूरत नहीं। और ये आज विजयादशमी का दिन, आइए मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा की इस पवित्र धरती पर हम संकल्प लें कि अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए 17 नवंबर के चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके हर सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ताकि आगे बढ़ सके प्रदेश। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं, आप अन खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।